जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बोमैन कहते हैं कि चैंपियंस आर स्टूडेंट ऑफ स्किल, स्ट्रेटजी एंड इमोशन। चैंपियन का सफर बहुत इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि ये सफर दिल और दिमाग से पूरा होता है। स्किल, स्ट्रेटजी और इमोशन, इन तीनों बातों को हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट के कोच की नज़रों से वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पहली बात वो कहते हैं कि चैंपियंस चेज अ ड्रीम। चैंपियंस एक सपने का पीछा करते हैं। असल में सपने की शुरुआत होती है एक इमोशन और इच्छा के मिलने से, और ये इमोशन चैंपियंस को आगे ले जाता है। ये लोग एक्सीडेंट्स, फेलियर्स और बुरे समय से इसी इमोशन और पैशन की दम पर निकल पाते हैं। ये सपना बहुत क्रिटिकल है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। फेल्प्स कुछ खास करना चाहता था, वो एक महान एथलीट बनना चाहता था, लेकिन इसके पीछे बहुत बेसिक इमोशन छिपा था, जो हर बच्चे का अपने माता पिता के लिए होता है। फेल्प्स के माता पिता का डाइवोर्स छोटी उम्र में हो गया। छोटे फेल्प्स पर बचपन से इस बात का गहरा असर हुआ। उनको लगता था कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझ में कुछ कमी है। इसलिए वो हमेशा कुछ खास करना चाहते थे। पहले वो ओलंपिक्स में जाना चाहते थे, बाद में दुनिया के महानतम एथलीट बनना चाहते थे। असल में वो हमेशा एक इमोशन चेज कर रहे थे, एक्सेप्टेंस, कि मैं स्पेशल हूँ। जब इमोशन सपने का रूप लेकर आपके सबकॉन्शियस में जगह बना लेता है, तब आपके अंदर क्रिएटिव प्रोसेस जग जाता है। दिमाग गोल के लिए काम करना शुरू कर देता है और कई चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। सपना आपको हर दिन बिस्तर और थकान से बाहर निकालता है, हर दिन आपसे सही निर्णय दिलवाता है। कोच बार बार कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हर दिन बिना सही डिसीजन लिए चैंपियन नहीं बन सकता। कोच कहते हैं कि कहीं भी पहुंचने के लिए गोल्स चाहिए। गोल्स तो सब बनाते हैं, लेकिन चैंपियंस गोल्स की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। कोच कहते हैं कि हम स्विमिंग प्रोग्राम में बच्चों से एक लंबा प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, जिससे वो अपने ड्रीम गोल से जुड़ सकें। हम फिर उस गोल से उल्टा चलना शुरू करते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं। माइकल का सफ़र 8-10 साल का था। हमको अंदाज़ा था कि ये लड़का कहाँ जा सकता है। बीच में दो ओलंपिक्स के गोल भी थे। हमने डिसाइड किया कि हम एक साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, जिससे कोचेस, ट्रेनर्स और एथलीट को पता होता है कि हर दिन हम सबको एग्जैक्टली क्या करना है। कोच कहते हैं कि सबसे खास वो पल होता है जो एक चैंपियन और दूसरों में अंतर तय करता है, कि इमीडिएट गोल सेट होने के बाद आप तत्काल क्या कदम उठाते हो और कैसे डिसीजन लेते हो। जैसे आपने डाइटिंग का गोल बनाया, अब आपके हाथ में मिठाई है, आप मुंह में रखते हो या मिठाई वापस प्लेट पर रखते हो, इस मूवमेंट में आपकी प्रोग्रेस तय होती है। कोच बोमैन साहब ने बात को कितना सरल कर दिया, कोई भी हर दिन बिना सही डिसीजन लिए सफल नहीं हो सकता। कोच कहते हैं कि माइकल फेल्प्स गोल सेटिंग में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो गोल्स को प्रोसेस और डिसीजन में बदलता है। जब वो 13 साल का था, तब हमने 3 गोल बनाए। उसने वो तीनों गोल अपने रेफ्रिजरेटर पर लगा लिए। मुझे पता था कि वो महान एथलीट बनेगा, क्योंकि वो हर बार अपने गोल्स पूरे करता। उसे जिस भी शेड्यूल में रखो, उसे जो भी ट्रेनिंग सिखाओ, वो सब ईमानदारी से सीखता और अप्लाई करता। आप हर दिन क्या डिसीजन लेते हो, वहाँ आपकी प्रोग्रेस तय होती है। कोच कहते हैं कि चैंपियंस में अगली खासियत होती है कि वे हमेशा चैलेंजेस का स्वागत करते हैं। किसी को भी हारना पसंद नहीं होता। हार सबके मुंह में कड़वा स्वाद देकर जाती है, लेकिन एक चैंपियन के दिमाग में बैठा होता है कि घटना दुर्घटना से सीखकर मजबूत होते हैं। चैंपियंस ऑलवेज वेलकम चैलेंजेस एज अ मीन्स टू ग्रो। 2007 मेलबर्न वर्ल्ड चैंपियनशिप में फेल्प्स ने 7 गोल्ड जीते और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए वो पूरी तरह तैयार था। वापस आकर ट्रेनिंग बढ़िया चल रही थी। फिर एक दिन फोन आया कि माइकल गिर गया है और उसका हाथ टूट गया है। कोच बताते हैं, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो माइकल एकदम घबराया हुआ था, साथ में वो अपने ऊपर गुस्सा भी था। उसने मुझे देखते ही कहा कि मेरे हाथ से 3 गोल चले गए, और वो सही कह रहा था। ओलंपिक्स के लिए अब केवल 9 महीने बाकी थे, और हमको पता नहीं था कि कितना नुकसान हो गया। कोच कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो पहले फैक्ट्स जानते हैं, थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। डॉक्टर्स ने कहा कि फ्रैक्चर है, अगर प्लास्टर चढ़ाएंगे तो 1.5 महीना लगेगा। कोच ने कहा कि 1.5 महीना ट्रेनिंग से बाहर रखना तो असंभव है, और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करके स्क्रू कस देते हैं, स्टिचेस सूखने में 10 दिन का समय लगेगा।
दर्द की दवाइयां चलती रहेंगी, लेकिन वो ट्रेनिंग कर सकता है। बस अगले दिन फेल्प्स की सर्जरी हो गई और उसी दिन से माइकल फेल्प्स ने स्टेशनरी साइकिल पर हर दिन 3 घंटे ट्रेन करना शुरू कर दिया। कोच कहते हैं कि असल में हमने थोड़ी चीटिंग भी की। उस 10 दिन फेल्प्स अपनी स्टिचेस पर प्लास्टिक बैग बांधकर पानी में भी जाता, जिससे वो किकिंग प्रैक्टिस कर सके। चैंपियन समय के साथ मानसिक क्षमता बना लेते हैं कि वो किसी भी डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद फेल्प्स वापस ट्रेनिंग पर आ चुका था। ट्रेनिंग का पहले जैसा लेवल नहीं था, लेकिन उसका कमिटमेंट पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अगली विशेषता जो चैंपियंस में होती है कि वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट लाते हैं, उन हालातों में भी जो बाकियों के लिए असंभव होते हैं। ओलंपिक्स में आपको होटल का कमरा नहीं मिलता, आप 8 लोगों के साथ बड़े डॉर्म में रहते हो, कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कोच कहते हैं कि हम स्विमर्स को सिखाते हैं कि आप दुष्कर परिस्थितियों में, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस में अपना सर्वोत्तम परफॉर्मेंस दे सकें। कोच कहते हैं, एक बार मैंने फेल्प्स का चश्मा बिगाड़ दिया, जिससे प्रैक्टिस के दौरान उसकी आंखों में पानी भरता रहा। लैब के अंत में टर्न लेने के लिए आपको दिखना चाहिए, नहीं तो आपको दीवार का अंदाजा नहीं लगेगा और कीमती सेकेंड्स खराब हो जाएंगे। जब ओलंपिक्स की फाइनल हीट में फेल्प्स का गॉगल खराब हुआ, तो वो इस अनुभव के लिए पहले ही तैयार था। उसे पता था कि 21 स्ट्रोक बाद लैप पूरा होता है। फेल्प्स ने अपने स्ट्रोक गिन लिए और बंद आंखों से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। और आखिरी बात है, चैंपियंस रिहर्स सक्सेस एवरी डे। कॉम्पिटिशन में आपकी कौन सी रैंक आती है, ये दूसरे स्विमर्स पर भी निर्भर करता है। चैंपियंस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटकम, क्योंकि आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। कोच कहते हैं, चैंपियंस रिहर्स सक्सेस ऑन डेली बेसिस, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। वे शरीर के साथ अपने मन, विचार, इमोशन सर्वोच्च स्थिति में रखते हैं और हर दिन वैसे ही आचरण करते हैं, और ये हाईएस्ट लेवल पर बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले चैंपियन स्किल, स्ट्रेटजी और इमोशन का अच्छा स्टूडेंट होता है। चैंपियन हमेशा एक सपने को चेज करता है। ड्रीम इज इक्वल टू इमोशन प्लस अ डिजायर। जब इमोशन सपने का रूप लेकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेता है, तब आपके अंदर क्रिएटिव प्रोसेस जग जाता है। दिमाग गोल के लिए काम करना शुरू कर देता है और कई चीजें अपने आप होने लगती हैं। इसलिए विजुलाइज करना आपके बहुत काम आता है। चैंपियंस आर एक्सपर्ट इन गोल सेटिंग। चैंपियंस गोल की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। वे अपने गोल्स को हर दिन ट्रेनिंग में तोड़ना, प्रोसेस में बदलना और डिसीजन लेना जानते हैं। आपके इमीडिएट गोल डिसीजंस में तब्दील होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हर दिन बिना सही डिसीजन लिए सफल नहीं हो सकता। चैंपियंस किसी भी डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि चैंपियन वेलकम चैलेंजेस। एक चैंपियन के दिमाग में बैठा होता है कि घटना दुर्घटना से सीखकर मजबूत होते हैं। चैंपियन हमेशा मेंटली तैयार रहते हैं, इसलिए वे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। चैंपियंस रिहर्स मेंटल सक्सेस एवरी डे। वे शरीर के साथ साथ हमेशा अपने मन, विचार, इमोशन सर्वोच्च स्थिति में रखते हैं और हर दिन वैसे ही एक्शन लेते हैं। कोच कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये सबसे कीमती है कि एथलीट हर दिन क्लियरली विजुलाइज कर सके कि वो क्या करना चाहता है, फिर उसके लिए सेट किए गए प्लान पर हर दिन काम करे और हर दिन सक्सेस को दोहराए, क्योंकि यही रिहर्सल एक चैंपियन बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विजुलाइजेशन पर वीडियो देखिए कि कैसे चैंपियंस अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं और कैसे आप विजुलाइजेशन को अपने गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।